બેટ દ્વારકા અને ઉખા વચ્ચે સિગ્નેચર બ્રિજ હાલ કાના મને દ્વારકા દેખાડ કોડીલા કાને રે કાના રહેના શકો તો મુમીના હાલ આપણે કૃષ્ણભૂમિ દ્વારકામાં છીએ એ જગ્યા પર છીએ કે જ્યાં ઓખા અને બેટ દ્વારકા વચ્ચે જે પૂરા ન માત્ર ગુજરાત પરંતુ પૂરા દેશ જેની રાહ જોઈને બેઠો છે તે સિગ્નેચર બ્રિજ હાર બની રહ્યો છે તે જગ્યા પર છીએ ઓખા અને બેટ દ્વારકા વચ્ચે જે ભારતનો સૌથી મોટો કેબલ બ્રિજ જેને તરીકે ઓળખવામાં આવે છે 900 કરોડનો જે પ્રોજેક્ટ છે ઘણા વર્ષથી જે કામ ચાલી રહ્યું હતું તે હાલ પૂર્ણતાને આરે છે ત્યારે કેવી રીતે આ જે બ્રિજ છે તે બન્યું અને કેટલા લોકોની મહેનત કેટલા સમયથી અહીં કાર્યરત હતા શિફ્ટમાં કેવી રીતે કામ કર્યું અને આ બ્રિજ છે તે કેવી રીતે લોકો છે તેની માટે ઉપયોગી થશે આવી દરેક વાત કરીશું વાત ગુજરાતી પર आप एक रोड होती है काम करने को लेकर पानी है तो रोड पे काम करना तो बहुत ईजी है हम गए हमने सामान लिया हम रखा काम करना शुरू कर दिया बट एक सी में काम करने के लिए आपको एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लानिंग चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए प्रॉपर टाइम वेरिएशन चाहिए आपको आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए प्रॉपर बार्जेस हमारे लगे बोट्स लगी टग्स लगे और टन्स ऑफ स्टील लगा टन्स ऑफ कॉन्क्रीट लगा उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि हमने ब्रिज बनाया है और अभी जस्ट हमारा ब्रिज कंप्लीशन पे ही है ख़त्म होने वाला है सर डर तो लगता है बट काम तो करना ही है आपको कुछ ना कुछ चैलेंज तो हर जगह मिलेगा ही कोई भी काम कर रहे हैं अगर मैं मान लीजिए सिविल इंजीनियर ना होता कुछ और होता तो उसमें भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होते ही होते हैं तो हमारे चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं आप देख ही सकते हैं सारे आप ये पाइलॉन देख रहे हैं पाइलॉन की हाइट 132 मीटर है और अभी भी जो काम चल रहा है ऊपर अभी भी सी बेड से 132 मीटर हाइट मतलब 350-400 फीट हाइट के ऊपर बंदे खड़े होकर काम कर रहे हैं और इतना ज़्यादा हाई विंड प्रेशर है यहाँ पे कि ऊपर खड़ा होना भी मुश्किल है बट हम पूरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पे काम करते हैं और बिल्कुल हमारे ज़ीरो इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे कोई इंसिडेंट्स भी नहीं हुआ हमने पूरी सेफ्टी से काम किया है अभी हम पाइलॉन की लिफ्ट कास्ट कर रहे हैं बिल्कुल कम्प्लीशन पे ही है ये तो अभी इस पाइलॉन की लिफ्ट का कंक्रीट चल रहा है कंक्रीट हम जेटी से कंक्रीट पहले हमारे प्लांट में कंक्रीट प्रोड्यूस होती है वहाँ से बाय मिलर्स ट्रांसपोर्ट होती है जेटी पे जेटी से हम एक बार्ज है हमारा उसके ऊपर हमने कंक्रीट मिलर फिट किए हुए हैं वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय सी वो यहाँ पे पॉइंट पे लोकेशन पे अपनी लेके आते हैं और लोकेशन पे ले जाने के बाद हम एक बकेट के थ्रू कंक्रीट करते हैं इतनी हाइट के ऊपर ये टावर क्रेन आप देख सकते हैं टावर क्रेन सारा जो काम होता है पाइलॉन के ऊपर वो सारा टावर क्रेन के थ्रू होता है टावर क्रेन से हम नीचे अपना सामान उठाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर कंक्रीट पोर करते हैं पहले तो ये जो दो टावर हैं हमारे इस बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है आधा किलोमीटर हमारा ब्रिज इन वायर्स के थ्रू हवा में ही रहेगा हमेशा नीचे से आप कोई भी पोर नहीं ले जा सकते ये पूरा 900 मीटर का स्पैन है एशिया का सबसे बड़ा स्पैन है और इससे बड़ा केबल स्टे ब्रिज आपको इंडिया में अभी कहीं पे भी मिलेगा ये सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्रिज हमारा सिग्नेचर ब्रिज के नाम से है कृष्ण जी को डिनोट किया है हमने आप पाइलॉन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एक पंख भी है तो हमने ये कृष्ण जी को ही डिनोट करने के लिए लगाया है कि ये बेट द्वारका जाने के लिए ब्रिज है तो इसलिए इसका नाम सिग्नेचर ब्रिज भी है और सिग्नेचर ब्रिज होने का कारण ये भी कर्व पाइलॉन है कि हमारा 3D स्ट्रक्चर है ये हमारा तीनों तरफ से पाइलॉन का जो 3D है 3D व्यू देगा आप अगर साइड व्यू लेंगे ब्रिज का तो आपको दिखेगा कि ये पाइलॉन पूरा यहाँ पे झुका हुआ है इसीलिए इसको हम सिग्नेचर ब्रिज भी बोलते हैं और पंख है जो ये 24 मीटर हाइट का है 20 मीटर चौड़ा है तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा और प्लस कृष्ण जी को डिनोट रहेगा हमारा जो ब्रिज है वो लेंथ में 2.32 किलोमीटर का है और जो हमारे ब्रिज की विड्थ है वो 4-lane ब्रिज है दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि फुटपाथ है और 27 मीटर 200 इसकी विड्थ है और जो दोनों तरफ हमने एक 500 ये अपने दोनों तरफ ब्रिज के LHS और RHS में हमने साइड वॉक दी है कि जिस बंदे ने गाड़ी से जाना है वो गाड़ी से भी जा सकता है और जिस बंदे ने पैदल यात्रा करनी है पैदल मंदिर तक जाना है तो वो पैदल भी जा सकते हैं एक तरफ जाने का रास्ता है एक तरफ आने का रास्ता है और प्लस हमने यहाँ पे ये कार्विंग स्टोन कास्ट किए हैं आप देख सकते हैं ब्रिज के साइड में इसके ऊपर कृष्ण जी के दोहे लिखे जाएंगे
तो ये पूरा कृष्ण जी की जो जीवन की बातें हैं ये इसके ऊपर लिखी रहेंगी, क्योंकि बंदा जब पैदल जाए और यात्री जब पैदल आए तो इसको पढ़ते पढ़ते जाएंगे और एक बहुत अच्छा लुक भी देगा ये, और गीता के दोहे हैं तो ऑब्वियसली ज्ञान भी देंगे। ब्रिज છે તેના બંને સાઈડો છે તેમાં જે ભગવાન કૃષ્ણની જે વાતો છે જે ભગવાન કૃષ્ણના દોહા છે તે અહીં લાગેર છે અહીં જે પૂરી દિવાલો છે બંને સાઈડની તેમાં વચ્ચે વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણના દોહા લાગ છે કહીં શ્લોકની વાતો હશે ભગવાન કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી અનેક એવી વાતો હશે ભજનો હશે એવા ગીતો હશે કે જે ભગવાન કૃષ્ણની કથા સાથે જોડાયેલા હશે તે લાગવામાં આવે છે અહીં થોડા દિવસોમાં પથ્થર પણ લાગશે અને ત્યારબાદ એમાં લાઇટિંગ લાગશે તેના કારણે જે પૂરો બ્રિજ પસાર થતા જે ભક્તિમય વાતાવરણ છે પણ જોવા મળશે। પૂરે બ્રિજ કા એસા પ્લાન હૈ કે હમારે પૂરે બ્રિજ કે ઉપર લાઇટ્સ હૈ તો યે લાઇટ્સ કા કામ અભી તો નહીં હૈ બટ હા અભી જબ હમ કમ્પ્લીશન પે આયેંગે તો હમ લાઇટ્સ કા કામ ભી શુરુ કરેંગે થ્રુ આઉટ બ્રિજ કે ઉપર ઓર પૂરી યે જો હમારી વાયર્સ દેખ રહે હૈ આપ કેબલ્સ દેખ રહે હૈ ઇસકે ઉપર પૂરી લાઇટ્સ હૈ यहाँ पूरे थ्रू आउट ब्रिज में, और हम उसको चलाने के लिए हम एक सोलर पैनल का प्लान कर रहे हैं। तो हमारे ब्रिज की जो साइड वॉक है इसके ऊपर सारे थ्रू आउट ब्रिज में सोलर पैनल्स हैं जो 1 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करेंगे, और थ्रू आउट उसी से हमारे ब्रिज की जो इलेक्ट्रिसिटी का काम, जो भी इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स रहेंगी और जो भी सेंसर्स रहेंगे, जो भी रहेगा वो हमारा उसी से जो बिजली प्रोड्यूस होगी उसी से चलेगा सारा काम। બ્રિજ છે જે અહીંનો કેબલ બ્રિજ છે તેના બંને સાઈડો છે તેમાં જે વોકપાથ છે જે ચાલવા માટેની જગ્યા છે તે ખાસ વિશેષ રાખવામાં આવી છે અને સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે અહીં જે વોકપાથ છે તેના પર જે પૂરે શરૂઆતથી લઈને એન્ડ સુધી જે તેમાં સોલાર પેનલ લગાડવામાં આવશે જેના કારણે એટલું કહી શકાય કે એટલી ઉર્જા ઉત્પન્ન થશે જેના કારણે એક બેટ દ્વારકાને વીજળી પૂરી પાડી શકાય એટલી ઉર્જા છે તેનાથી મળી શકશે। સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે અહીં જે વચ્ચે વધારાની જગ્યા આપવામાં આવી છે જ્યાં એક વ્યૂઇંગ ગેલેરી કહી શકાય, સાથે જ જે સનસેટના જે દ્રશ્યો છે તે પણ કેમેરામાં કંડારી શકાશે અને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ બહારથી આવતા હશે અને જે અહીંનો જે આહલાદક જે નજારો છે તેની જે મજા છે તે અહીંથી માણી શકશે। बहुत प्राउड फील होता है कि हमने एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया है एक गुजरात के लिए, अब गुजरात के लिए नहीं हमने एक इंडिया के लिए अपने ब्रिज बनाया है जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, और ऐसा स्ट्रक्चर आपको अभी भी कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। ये पहला ही स्ट्रक्चर है जो इतना यूनिक वे में बनाया जा रहा है, और लोग भी बहुत खुश होते हैं, लोग गुजरात के लोग बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ पे हमारे साथ, हम 5 साल से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे बिहेव करते हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, तो काम करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, इजिली हम काम कर रहे हैं सारा जो भी हमारा, और पूरा साथ देते हैं यहाँ के लोकल लोग हैं जो वो पूरा साथ देते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो काम था वो हमारे ब्रिज की पाइल कैप्स करने के लिए हमें टाइम बहुत लगा, क्योंकि वो टाइडल वेरिएशन के बीच में आता था, तो हर 6 घंटे बाद टाइड चेंज होती थी, हर 15 दिन में लेवल चेंज होते थे, तो वो काम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर यहाँ पर आके काम करना पड़ता था। अगर नॉर्मली होता, कुछ टाइडल वेरिएशंस ना होती, तो हम इस ब्रिज को शायद आज से 6 महीने पहले 1 साल पहले भी कंप्लीट कर सकते थे, बट उसी कारण हम थोड़ा सा लेट हुए हैं क्योंकि यहाँ पे टाइडल वेरिएशन और विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो विंड प्रेशर की वजह से कभी कभी हमें काम रोकना पड़ता है क्योंकि सेफ्टी का भी साथ में हमें ध्यान रखना है, और अगर विंड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम उस टाइम काम रोक देते हैं, और जब हमारा विंड का प्रेशर एक नॉर्मल स्टेज पर आता है कि जिस पर हम काम एलिजिबल हों करने के, तो हम उसी टाइम फिर अपना काम कंटिन्यू कर देते हैं। कि हमारी एक सेफ्टी की टीम बिल्कुल 24 घंटे यहाँ पे पूरे ब्रिज के ऊपर तैनात रहती है, वो सारी हर एक चीज़ को सेफ्टी कंसर्न से हो रही है कि नहीं हो रही है वो उसी चीज़ के लिए रखे गए हैं, और उसी चीज़ का वो ध्यान रखते हैं कि हमारा हर एक बंदा जो है, हर एक लेबर है, चाहे वो स्टाफ है चाहे कोई भी है, वो सेफ्टी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रात में दिन में, क्योंकि रात में तो बहुत अंधेरा होता है, और रात में अंधेरे में भी काम करने के लिए हमने पूरा सेटअप किया है, लाइट्स हैं, डीजीज हैं जो हमारे थ्रू आउट ब्रिज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मिलजुला के हर एक बंदा जब काम करता है जी तभी हम काम कर पाते हैं। सेफ्टी का भी काम है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, तो सारे डिपार्टमेंट जब मिलके काम करते हैं तभी हम एक चीज़ को पूरा कर पाते हैं। सर फिलहाल तो जो आप जिस ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, एक तो इसका नाम सिग्नेचर ब्रिज है, प्लस इसका जो स्टे केबल का स्पैन है
वो इंडिया का सबसे बड़ा स्पैन रहा है अभी तक का। और ऐसा ब्रिज आपको इंडिया का सबसे बड़ा स्पैन इसीलिए है क्योंकि ये 900 मीटर का स्टे केबल का ब्रिज है, इससे बड़ा कहीं पे भी स्टे केबल का ब्रिज नहीं है। यही सबसे यूनिक बात है इस ब्रिज, इससे बड़ा ब्रिज ही आपको कहीं पे है ही नहीं। स्टे ब्रिज है जो वो कहीं पे भी नहीं है, तो यही सबसे यूनिक बात है। और प्लस जो साइड वॉक्स हैं, जो सोलर पैनल्स हैं, जो पाइलॉन की हाइट और पाइलॉन की शेप है, ऐसी शेप ऐसी हाइट कहीं पे भी नहीं है, तो इसीलिए ये सबसे यूनिक ब्रिज, सबसे बड़ा ब्रिज और सबसे टाइम गाने वाला ब्रिज यही रहा है हमारा। तो ये बहुत चैलेंजिंग था ये बनाना सारा कुछ, मगर स्टिल सारे इंजीनियर्स ने अपनी मेहनत लगा के, कैलकुलेशंस लगा के इस चीज़ को बनाया है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थी। सर पढ़ाई ज़रूर करी हमने, बीटेक करी है, और ठीक है उसमें बताते हैं कि सारा कुछ क्या करना है, मगर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आके इतना बड़ा ब्रिज बनाने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि सारे लोगों को मौका नहीं मिलता है। बहुत लोगों ने करी है इंजीनियरिंग, बट ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है जो मुझे मिला, और मैं बहुत खुश हूँ इसमें। स्टील यूज हुआ पूरा जिंदल स्टील से आया, उड़ीसा जिंदल स्टील, वहाँ से हम लोग सब मटेरियल मंगाया, हमने रॉ मटेरियल, उसके बाद फैब्रिकेशन हुआ था राजपुरा में हुआ था एमिल फैक्ट्री में। हम लोग टेलर से ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ से आने के लिए एक हफ्ता लग जाता है, एक हफ्ते सेवन डेज, सिक्स टू सेवन डेज के अंदर मटेरियल आ जाता है। हाँ पानी से तो एक चैलेंजिंग जॉब है, ये तो ये है, बट हम लोग को सब अरेंजमेंट करके रखा और हम लोग लॉन्चिंग करके इलेक्शन कर रहा हूँ। हमारा टोटल लेंथ 900 मीटर है, 560 मीटर कंप्लीटेड हो गया, कंप्लीटेड विद इन जुलाई इट विल बी कंप्लीटेड। हमारा टीम में टोटल वर्कफोर्स है नियर अबाउट 90-100 वर्कर है, ओनली फॉर स्टील, ओनली इरेक्शन के लिए। आज जो हम लोग फैब्रिकेशन किया वहाँ नियर अबाउट 150 था, तो हर मंथ एवरी मंथ प्रोडक्टिविटी है 1000 प्रोडक्टिविटी किया। हाँ डे नाइट 24 आवर्स चल रहे थे, शिफ्टिंग काम हो रहा है। हाँ शिफ्टिंग में काम 12 घंटे। तो हमारा यहाँ पे वर्कफोर्स है नियर अबाउट 100 इरेक्शन के लिए, और हमारा बाकी जो स्टाफ है वो नियर अबाउट 16 स्टाफ, 12 स्टाफ है डे नाइट करके। गुजर का जो है हमारा मटेरियल फेटेरियल बहुत जगह में चोरी फोरी हो जाता है, यहाँ सब नहीं हुआ, तो एक अच्छा है हम लोग को एरिया बहुत अच्छा मिल गया जहाँ तक स्टॉक कर सकता है, स्टॉक हो गया डिस्प्लेस तो कुछ होगा, इतना बड़ा काम है तो चोरी वोरी नहीं हुआ, वो क्या एक बेनिफिट है, वो अच्छा है गुजर यहाँ से तब नहीं हुआ, वो एक बेनिफिट है। अच्छा एक ब्रिज हो जाएगा ये द्वारका से बेट द्वारका जाने के लिए, पहले अभी कोई अप्रोच नहीं था, बोट से ही जाता था, तो ये रोड बन जाए हमारा सिग्नेचर ब्रिज बन जाएगा तो पब्लिक के लिए अच्छा होगा, पूरा ओपन होगा, कभी भी जो जा सकता है, तो इसमें कोई ये नहीं, ये अच्छा गुजरात के लिए बहुत बढ़िया है, फैसिलिटी अच्छा हो गया, ये लोग अभी वहाँ से वहाँ जा सकता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो पब्लिक के लिए वो बेनिफिट होगा। हम लोग लगता है कनेक्शन जो है जुलाई में हो जाएगा और फिनिशिंग करते करते अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा। દ્વારકાના દર્શને આવતા યાત્રિકો માટે અત્યારે ઓખાથી બેટ દ્વારકા જવા માટેનો એકમાત્ર વિકલ્પ અત્યાર સુધી
જે ફેરી બોટ છે તે છે, ત્યારે આ બ્રિજ બની રહ્યો છે તે કેવી એની વિશેષતા છે ને તેના કારણે શું ફાયદો મળશે યાત્રિકોને ને અહીંના સ્થાનિક લોકોને તેના વિશે આપણે વાત કરવી છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે અહીંના જે સ્થાનિક લોકો છે તેના માટે હવે 24 કલાક ક્યારેય પણ હવે બહાર જવું એના માટે મુશ્કેલ નહીં હોય, કારણ કે જે દરિયાની વચ્ચેથી સામા કાંઠે પાર થવું, જે વરસાદની જે પરિસ્થિતિ હોય છે, તોફાન જેવી સ્થિતિ હોય છે તેની વચ્ચેથી જે બોટમાં પસાર થવું પડતું હતું તે હવે કાયમી માટે દૂર થશે. ને જો આ બ્રિજની વાત કરવામાં આવે તો સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આમાં એવા 11 મજબૂત પિલર ઊભા કરવામાં આવ્યા છે કે જે 300 ફૂટ જેટલા ઊંડાઈથી તેને ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં જે સ્ટીલ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યું છે તે પાણીની સામે, જે ખારા પાણીની વચ્ચે રહીને પણ વર્ષો સુધી તે કાટ ન લાગે કે કોઈ પણ ઊની આંસ ન આવે તેવું જે મટીરિયલ્સ છે તે અહીં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યું છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે અત્યાર સુધીમાં આમાં જે લોકોએ કામ કર્યું છે જ્યારથી શરૂ થયું ને હવે પૂર્ણતાને આરે છે, 300 જેટલા ટોટલ એન્જિનિયરો છે તેને અત્યાર સુધીમાં કામ કર્યું છે. ને આ ઉપરાંતના અનેક લોકો જે જોડાયેલા રહ્યા છે તેના કારણે આજે જે લોકો રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ન માત્ર ગુજરાત પરંતુ પૂરા દેશના લોકોનું જે એક સપનું હોય છે કે આ બ્રિજ જોવો છે, એ બ્રિજ હવે પૂર્ણતાને આરે છે. સૌથી મહત્વની વાત એ પણ છે કે જે અહીં જે બ્રિજ છે તેનો વચ્ચે જે ખાસ હાઈટ ઉપર જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એક કહેવામાં આવે છે મોરપી છે તેને અહીં કંડારવામાં આવ્યું છે. જે મોરપી છે તેના ઉપર ખાસ બહારથી જે લાઇટિંગ હશે ને તે દૂર સુધી તેના દર્શન થઈ શકશે. એટલે કે દ્વારકા કોઈ પણ ભક્તો આવે છે તે સીધા બેટ દ્વારકા જાય તો સીધો બંને વચ્ચેનું જે કનેક્શન છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શનમાં ડૂબેલા રહે તેવી રીતે આ ભક્તિમય બ્રિજનું છે તે નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. અને થોડા જ સમયમાં એટલે કે દિવાળી સુધીમાં જે બ્રિજ છે તેનું કામ જે પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે ન માત્ર અહીંના લોકો પરંતુ દરેક યાત્રિકો માટે પણ એક જે કહી શકાય કે બ્રિજ છે તે અહીં આવવું એના માટે પણ એક સૌભાગ્યનું બની રહેશે. मैं यहाँ पे मार्च 2018 में आया था और मुझे 5 साल होने वाले हैं इस ब्रिज के ऊपर एज अ साइट इंजीनियर. पहले मैं स्टील का सारा काम देखता था और अभी मैं एग्जीक्यूशन में काम देख रहा हूँ. जो हमारे ब्रिज की फाउंडेशन है वो टाइप एफ फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन. तो हमने यहाँ पे पाइल फाउंडेशन करी है. 2 मीटर डाय का हमारा पाइल रहा है और कम से कम 300-300 फुट हमारी जो सी बेड के नीचे गई हुई है, 60 मीटर हमारी डेप्थ है सर पाइलों पानी के अंदर. ये जो आप लेवल देख रहे हैं इससे हमारा 60 मीटर डाउन पाइल्स का जो डेप्थ है वो दी गई है. जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो उसको हमें खड़ा रखने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन की बहुत ज़रूरत है. तो इसीलिए हमने यहाँ पे बिल्कुल M70 जो कंक्रीट का ग्रेड हमने यहाँ पे यूज़ किया है जो कि लोहे से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा. और 2 मीटर डाया और एक ग्रुप में 4-4 पाइलें हैं यहाँ पे. एक ग्रुप में आप जैसे देख सकते हैं ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो जाएगा. तो एक ग्रुप के अंदर 4 पाइलें हैं हमारी और पर पाइल 2 मीटर डाया की है और 60-60 मीटर डेप्थ है. सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट था इस ब्रिज का वो फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर को बनाने का ही था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी है तो यहाँ पे टाइडल वेरिएशन है, पर 6 घंटे के बाद यहाँ पे पानी अप या डाउन होता है. तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल लेवल नहीं है कि हम यहाँ पे अपना एक सेटअप करेंगे और काम हो जाएगा. हमें डिफरेंट सेटअप करने पड़े उसके लिए. पाइल फाउंडेशन करने के लिए हमने एक स्लैब यहाँ पे इरेक्ट करी कि जो हम बना के प्री कास्ट स्लैब थी हमारी, वो हम बाहर उसको कास्ट करते थे और उसको उठा के लेके आते थे, अंदर उसको सेटअप करते थे. उसके बाद हम अपने लेवल का वेट कर, 0.67 लेवल था हमारी बॉटम का, तो उस लेवल के जब उस लेवल पे हमारा पानी आता था तो हम उसी हिसाब से काम करते थे. और वो कोई एक टाइम नहीं होता था, हर 15 दिन में वो चेंज होता रहता था. कभी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, दोपहर को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइम पे हमारा लेवल होता था. और हम जैसे एक शिफ्ट होती है, हम शिफ्ट वाइज काम नहीं किया हमने यहाँ. हमने यहाँ पर 24 आवर्स लगातार कंटिन्यूसली काम किया, 24/7 हमारा यहाँ पर काम चलता है. तो उसी हिसाब से हमने टाइडल वेरिएशन के हिसाब से काम किया है. मेरे जैसे यहाँ पे अगर आप इंजीनियर्स देखेंगे तो इंजीनियर्स का आंकड़ा कुछ 50+ हमारे पास इंजीनियर्स हैं, जिसमें हमारे सीनियर्स भी हैं सारे और मेरे जैसे जूनियर्स भी हैं. और प्लस यहाँ पे हमने 500+ लेबर का काम रहा है हमारा यहाँ. हमेशा एक टाइम पे 400-500 लेबर हमारी काम करी है, क्योंकि थ्रू आउट वहाँ से कैंप से लेके हमारा यहाँ ब्रिज की बेट साइड तक हमारा दो तरफ काम चल रहा है और कैंप में भी हमारा काम चलता है. तो हर जगह अलग लेबर, हर जगह अलग सुपरवाइजर्स, हर जगह अलग इंजीनियर्स
और हर जगह अलग मैनेजर्स, सब ने मिल के जब काम किया तभी हम यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँच चुके हैं कि हमने इतना बड़ा पाइलॉन खड़ा कर दिया।